हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम प्लेन कुर्ती की स्लीव्स के लिए एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को आप ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें बुकरम या कागज़ से 1.5 इंच का एक स्क्वायर पीस काटना है। अब इसे हमें बीच में से फोल्ड करना है इस तरह से, और अब हम ऊपर से गोलाई वाली शेप दे देंगे इस तरह से। अब इसे ट्रेस करेंगे हम कपड़े के ऊपर। तो यहाँ पर कपड़े के ऊपर मैंने फ्यूज़ पेपर को चिपकाया हुआ है ताकि कपड़ा थोड़ा सा हार्ड हो जाए, और इस तरीके से हम इसके ऊपर इस पैटर्न को ट्रेस करेंगे। अब हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और जो हमने पेन से निशान लगाया है उसके ऊपर बारीक बखिए से हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे इस तरह से, और अब हम इसे पलट के सीधा कर देंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद इसकी किनारी पर हम सिलाई लगा देंगे और बाकी की सभी शेप्स को भी इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमें कागज़ का एक टुकड़ा लेना है जिसकी लंबाई आपको उतनी ही लेनी है जितनी आपकी बाजू की चौड़ाई है, और इसकी चौड़ाई हमें लेनी है 3.5 इंच। अब हम अपनी शेप्स को इस तरीके से कागज़ के एक किनारे पर रखना शुरू करेंगे और सिलाई लगाएंगे। साइड से हमें आधा इंच छोड़ देना है और उसके बाद हमें सभी शेप्स को एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ रख के इस तरह सिलना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हमें एक दूसरे के साथ इन शेप्स को रख के अच्छे से सिल देना है। अब बाकी की शेप्स को हम इनके सामने रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि दोनों शेप्स के बीच में इतना गैप हो कि एक मोती अटैच हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से हमें बाकी की शेप्स को दूसरे किनारे पर रखना है कि दोनों शेप्स बिल्कुल आमने सामने आए इस तरह से। बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए शेप्स की प्लेसमेंट। इस तरीके से हमें इनको रख के सिल देना है, और अब हम इसके बीच में मोती लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें मोती को बीच में अटैच करना है बिल्कुल मजबूती से। ये देखिए, आप चाहे तो थोड़ा बारीक मोती भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सफाई से और मजबूती से हमें मोतियों को इनके बीच में अटैच करना है। तो इसी तरह से मैंने सभी मोतियों को लगा दिया है, और अब हम इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच चौड़ा कपड़े का टुकड़ा लिया है, और इसके ऊपर हम अपने बॉर्डर को इस तरीके से रखेंगे कि कपड़े की राइट साइड और बॉर्डर की रॉन्ग साइड एक दूसरे को फेस करें। अब हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे सीधी तरफ और आधा इंच चौड़ी पट्टी या पाइपिंग इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसके नीचे एक लेस लगाएंगे। तो ये डबल एजिंग वाली लेस है। इस तरह की लेसेज आप किसी भी कलर में बाजार से इजीली ले सकते हैं। तो इसके नीचे मैंने ये लेस दबा के लगा दी है। अब इसके आगे हम ये नेट की एम्ब्रॉयडरी वाली लेस लेंगे। तो इस तरह की कटवर्क की एम्ब्रॉयडरी वाली लेसेज आजकल बहुत ट्रेंड में हैं और आपको किसी भी शॉप से मिल जाएंगी। तो इस तरह से लेस को उल्टा करके हम इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब इसे सीधा कर देंगे और इसके किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से लेस को अटैच करने के बाद हम इस बॉर्डर को बाजू की राइट साइड पर उल्टा करके रखेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगा देंगे। अब इसे सीधा करेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से टॉप स्टिच लगाने के बाद इसका कागज़ निकाल देंगे पीछे से इस तरह। ये देखिए, बाजू का ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह का डिज़ाइन आप अपने कमीज़ के दामन और ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकते हैं। अब हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरीके से जितनी भी आपको बाजू की चौड़ाई चाहिए हो उसके हिसाब से आप फिटिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, तो इसके साथ ही बाजू का हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।